नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे BBK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। ओ योगी आदित्यनाथ, बेवकूफ बना रहा है तू लोगों को। क्यों बेवकूफ बना रहा है मालूम है? तू राम का भक्त है। अबे राम ने 14 साल का संन्यास लिया था और तू संन्यास लेके गद्दी पे बैठ गया और गद्दी पे बैठ के पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, इंडिया के विन डीजल, थोड़ी शर्म कर। सन्यासी को किस चीज की जरूरत होती है बे? साला राम राजा होके सन्यास ले लिए और तू भिखारी होके सन्यास लेके साला गद्दी पे बैठ के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और तेरा वो मोदी चाय वाला प्रधानमंत्री, झाड़ू वाला मुख्यमंत्री, 10वीं फेल शिक्षा मंत्री, सारे नेता माल खा रहे, पब्लिक गोली खा रही है, लड़कियों का रेप हो रहा है। मेरा देश महान, क्या ना, हम एक्चुअली हिंदुस्तानियों का खून पानी हो चुका है। हमें गाय और बकरों में बांट दिया गया है, हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांट दिया गया है। हमको रोड पे निकलना पड़ेगा, हमें रोड पे निकलना पड़ेगा। एक दिन के प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है, एक दिन के प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है। आसिफा के बलात्कारियों को और उन्नाव की जो लड़की है इसके बलात्कारी को, इसके बाप के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। मतलब ये कैसे दरिंदे हो सकते हैं? एक दरिंदा जो वहां से आया और कह रहा है कि मारने से पहले एक बार मैं बलात्कार करूंगा। कल देख लिया ना, गो बैक मोदी, तमिलनाडु वालों ने चप्पलें फेंक फेंक के मारी, सारे होर्डिंग काले कर दिए मोदी के। GST का कुभांड किया, नोटबंदी का कुभांड किया। अबे तुम लोग किसके कुत्ते हो वो भी हम सबको मालूम है, जनता को। शर्म आनी चाहिए हम हिंदुस्तानियों को। गाय और बकरों के नाम पे हमें बांट के ये लोग हमें चूतिया बना रहे हैं। कहूंगा कि हमें चूतिया बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। और वो भक्तो, सालो मुझे गाली देने से पहले सोचना कि तुम्हारी भी मां बहने है अगर कोई कभी उठा के ले गया ना। और 8 दिन तो दूर की बात है, एक दिन रेप कर दिया ना तो समझ में आ जाएगा साले। इनके लिए तुम लोग नारे लगा रहे हो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पहले ये बता दो बे, राम जी पैदा कहां हुए थे यार? राम जी ऐसी पवित्र जगह पे पैदा हुए थे और उस पवित्र जगह को भी तुम लोग बदनाम कर रहे हो जय श्री राम करके। राम एक ऐसे राजा थे जिन्होंने हमेशा इंसाफ किया, सन्यास लिया उन्होंने। किस लिए? 14 साल का सन्यास। हाँ, तुम सब है ना राम जी का भी नाम खराब कर रहे हो। आज उनको भी लग रहा होगा कि ये मेरा नाम ले लेके जय श्री राम कर करके। क्या है यार, एक ऐसे राजा जो अपने आप को इंसाफ के लिए अपने भाई को राजपाट देके वनवास चले गए, उस राजा को तुम लोग जय श्री राम करके उस राजा को, अरे कहां से आ गए तुम भाई? यह मोहम्मद का भी देश है, राम का भी देश है, यह गुरु नानक का भी है, हैं? ये जीजस का भी है, ये सबका है मेरे भाई, खाली राम जी का नहीं है। और आपकी बेटी बचाओ बेटी बचाओ, हाँ कहां है? अब की बार बेटी बचाओ, अब की बार विधायक बचाओ, ये विधायक बचा रहे, रेपिस्ट बचा रहे। शर्म आनी चाहिए बलात्कारी बचाने वालों को, शर्म आनी चाहिए जय श्री राम के नारे लगाने वालों को, वो शंभू कुत्ते को जेल से छोड़ने वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खैर, तुम लोगों की तो शर्म भी मर गई है, अगर थोड़ी शर्म बाकी हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो। और 50 लाख रुपए का इनाम है, जो भी कश्मीर के, जम्मू के, कोई भी कहीं से भी लौंडे जाके इनका सर मुझे ला देना, मत ला देना, खाली बस मार देना इनको, उसके लिए भी हम 50 लाख रुपए इनाम रखते हैं। कैसे लोगों को तो कसम खुदा की, मतलब काट के फेंक देना चाहिए, कुत्तों को खिला देना चाहिए इनको, कुत्ते भी नहीं खाएंगे इन लोगों को। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना।